अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी। जिस तरह 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या आए थे, पूरी अयोध्या को बिल्कुल स्वर्ग की तरह सजाया गया था, ठीक उसी प्रकार अब 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय पूरी अयोध्या को बहुत अच्छे से सजाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेश शुक्ला और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं अयोध्या, और सबसे पहले हम आज आपको दिखाने वाले हैं धर्मपथ। जब आप अयोध्या आएंगे तो सबसे पहले से धर्मपथ होते हुए ही अयोध्या राम जन्मभूमि तक पहुंचेंगे। ठीक सामने आप पीछे देख रहे हैं, ये लखनऊ गोरखपुर हाईवे है, यहीं से आप आते हैं तो इस तिराहे पे आएंगे। इस तिराहे पे आने के बाद ठीक पीछे आप देख रहे हैं, ये है धर्मपथ। इसी धर्मपथ होते हुए आप पहुंचेंगे लता मंगेशकर चौराहा। लता मंगेशकर चौराहा से आपको फिर एक रामपथ के लिए रास्ता गया। रामपथ होते हुए आप राम जन्मभूमि कॉरिडोर पहुंचेंगे। राम जन्मभूमि कॉरिडोर पहुंचने के बाद आप पहुंचते हैं श्री राम प्रभु के मंदिर में। तो आज मैं आपको सबसे पहले धर्मपथ दिखाने वाला हूं, क्योंकि धर्मपथ पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका, क्योंकि अब 2-3 दिन का समय बचा है श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे सूर्य द्वार का निर्माण किया गया। सूर्य द्वार के निर्माण में आप देखेंगे यहाँ पे 7 घोड़ों पे विराजमान है भगवान सूर्यदेव, और इसी के ठीक आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे सूर्य स्तंभ भी बनाए गए हैं। चल के मैं आपको सूर्य स्तंभ दिखाता हूँ और पूरे धर्मपथ विजिट कराता हूँ, आखिर कितना सुंदर कितना शोभनीय पूरा धर्मपथ बनाया गया है। आप जैसे ही धर्मपथ पे बना हुआ सूर्य गेट क्रॉस करने उसके बाद आप देखेंगे तो ऐसे सूर्य स्तंभ का निर्माण किया गया है, जिसपे कि जय श्री राम लिखा हुआ है, गदा बनी हुई है और ऊपर सूर्य के रूप में ही जो इनका स्मृति चिन्ह है वो लगाया गया है, और दोनों तरफ 10-10 ऐसे सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं। आपको जब आप अयोध्या आएंगे तो यहाँ पे कई सारी सूर्य के प्रतीक चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो भगवान प्रभु श्री राम थे वो सूर्यवंशी थे, यही इसी कारण से यहाँ पे कई जगह पे आप देखेंगे तो भगवान सूर्य से रिलेटेड चीजें ही आपको देखने को मिलने वाली हैं। जैसे ही आप धर्मपथ पे आगे आते तो आप देखेंगे कि ऐसी दीवार का निर्माण किया गया, दीवारों पे कई प्रकार की पेंटिंग का निर्माण किया गया। इसके अलावा अगर साफ सफाई की बात करें तो पूरे धर्मपथ पे साफ सफाई का काम बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 के दिन प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, और ऐसे में कई VIP और अंतर्राष्ट्रीय लोग अयोध्या आने वाले हैं, तो देखते हैं पूरी साफ सफाई का काम भी बहुत तेजी से चला है, और धर्मपथ का जो काम है वो लगभग पूरी तरीके से पूरा हो चुका है। अगर पैदल यात्रियों के लिए बात करें तो पैदल यात्रियों के लिए पूरा फुटपाथ बनाया गया, इसी फुटपाथ से पैदल यात्रा करते हुए लोग भी लता मंगेशकर चौक तक जा सकते हैं। और इसी धर्मपथ पे आप देखेंगे तो ऐसे यहाँ पे गमलों का निर्माण भी किया गया है, जिसमें छोटे छोटे ट्री भी लगाए गए, मतलब जो सौंदर्यीकरण का काम है वो धर्मपथ पे आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाला है। सबसे ज्यादा जो सुंदरता आपको देखने को मिलने वाली है वो इसी धर्मपथ पे देखने को मिलने वाली है। धर्मपथ आप देखेंगे जितने भी पेड़ हैं उन पे भी बहुत अच्छे तरीके से लाइटिंग का काम किया जा रहा है, जैसे कि पक्षी के घोंसले वगैरह बने होते हैं उसी कॉन्सेप्ट पे इन पेड़ों पे लाइट लगाई जा रही, क्योंकि रात के समय बहुत ही सुंदर दिखने वाली है। अभी हम धर्मपथ पे करीब 200 से 300 मीटर आगे आ चुके हैं। ये ब्रिज तो आप लोगों ने कई बार वीडियोस वगैरह में देखा होगा, ये अयोध्या का मेन ब्रिज है, इसी के ऊपर से रेलवे लाइन जाती है। इस ब्रिज को भी बहुत अच्छे से सजाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेंटिंग वगैरह का काम चल रहा है, एक एक पिलर पे पेंटिंग बनाई गई है, मतलब सुंदरता में कोई कमी ना रह जाए अयोध्या को इस हिसाब से सजाया जा रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। तो अभी हम धर्मपथ पे काफी आगे आ चुके हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पे कई प्रकार की पेंटिंग बनाई गई है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पैटर्न पे आपको यहाँ पे पेंटिंग देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे हर पेंटिंग का जो पैटर्न है वो अलग है और चीजें बिल्कुल हर तरह से अलग से दर्शाई गई हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पूरे धर्मपथ पर ऐसे स्पीकर भी लगाए गए हैं जिनपे की बहुत
मधुर मधुर गाने बजाए जा रहे हैं। तो अभी हम धर्म पथ के बिल्कुल इंड में पहुंचने वाले हैं। यहाँ भी आप देखें तो दोनों तरफ सूर्य स्तंभ का निर्माण किया गया, 10 सूर्य स्तंभ इधर और 10 सूर्य स्तंभ इधर। इसके अलावा पूरे रास्ते में आप देखेंगे तो स्ट्रीट लाइट लगाई गई है जो कि बहुत ही खूबसूरत नजारा है। इसके अलावा प्रभु श्री राम की फोटो भी लगाई गई है। इसके अलावा ग्रीन घास भी पूरे डिवाइडरों पे लगाई जा रही और ये काम 102 दिन में पूरी तरीके से फाइनल हो जाएगा। अभी हम पहुंचने वाले हैं लता मंगेशकर चौराहा, जिसे लोग पहले नया घाट चौराहे के नाम से जानते थे। जब आप लता मंगेशकर चौराहे पे पहुंचने वाले होंगे तो इस चौराहे पे भी आप देखेंगे तो दोनों तरफ ऐसे ही सूर्य स्तंभ बनाए गए हैं, जैसे कि धर्मपथ की स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि 10 सूर्य स्तंभ इस तरफ और 10 सूर्य स्तंभ इस तरफ। तो यहाँ पे भी दोनों तरफ सूर्य स्तंभ का निर्माण कराया गया है। अगर खूबसूरती को बात करें तो अगर आप अयोध्या जी आएंगे तो सबसे खूबसूरत पथ जो आपको देखने को मिलने वाला है वो ये धर्म पथ मिलने वाला है। ये सिर्फ नाम का धर्म पथ नहीं है, सही में इस पे सारी चीजें जो दिखाई गई वो धर्म से रिलेटेड ही दिखाई गई। अगर सूर्य स्तंभ की बात करते तो इसमें भी आप देखेंगे तो प्रभु हनुमान जी का गदा, जय श्री राम लिखा हुआ है, ऊपर सूर्य भगवान की स्मृति में चक्र बनाया गया है और यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट लगाई गई है ना इस पे भी बहुत अच्छे से आप देखेंगे तो तिलक और त्रिशूल का निशान दर्शाया गया है। एक एक चीज यहाँ पे जो बनाई गई है, एक एक चीज जो यहाँ पे दिखाई जा रही उसका धर्म से कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव है, उसको देखते हुए ही यहाँ पे सारी चीजों को दर्शाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम डिवाइडर की बात करें तो आप देख सकते हैं डिवाइडर पर भी पूरी तरीके से घास लगा दी गई है। मतलब 22 तारीख जब भगवान श्री राम अपने नवनिर्मित मंदिर में विराजमान होंगे उससे पहले अयोध्या में कहीं भी कोई भी कमी ना रहने पाए, पूरी तरीके से हर तरफ डेकोरेशन का काम, सजावट का काम, साफ सफाई का काम, कुल मिला के पूरी अयोध्या में काम बहुत तेजी से चल रहा है। क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का समय ही बाकी है प्रभु श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की। तो अभी चलते हैं आपको लेके लता मंगेशकर चौराहे पे और लता मंगेशकर चौराहे पे दिखाते हैं कि आखिर कौन कौन सी चीजें वहां पे चल रही है और कैसे पूरे लता मंगेशकर चौराहे पे डेवलप किया जा रहा है, कैसे पूरे लता मंगेशकर चौराहे को सजाया जा रहा है। अभी हम पहुंच चुके हैं लता मंगेशकर चौराहा और आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है, जबकि अभी 22 तारीख में 1 से 2 दिन का समय है और इस समय यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़, इतने ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो पूरे जो लता मंगेशकर चौराहा है उसको सजाया गया, इस तरह देख पा रहे हैं पीछे इस प्रकार से यहाँ पे रंगोली बनाई गई है। छत्तीसगढ़ कहाँ से आए? छत्तीसगढ़ से। पैदल यात्रा करके? जी। कितने दिन लगे? 2 महीने लग गया भैया, 2 महीने। अच्छा 2 महीने से पैदल। कब पहुँचे थे अयोध्या? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। तो कैसी लग रही है अयोध्या इस समय आपको? बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। तो कब तक रुकेंगे अयोध्या में? अभी रहना, भगवान हमको जितना दिन रखेंगे उतने दिन रहना। भगवान जितने दिन रखेंगे उतने दिन। रामचंद्र की। तो आप देख सकते हैं कि प्रभु श्री राम के भक्त तरह तरह के अवतार लेके अयोध्या पहुंच रहे हैं। अपनी भक्ति दिखाने का जो भी तरीका जिस भक्त को नजर आ रहा है उस तरीके से वो भक्ति दिखाते हुए अयोध्या पहुंच रहे हैं। कोई पैदल अयोध्या आ रहा है, कोई हनुमान जी का रूप लेके अयोध्या पहुंच रहा है, कोई साइकिल से अयोध्या पहुंच रहा है, कोई मोटरसाइकिल से अयोध्या पहुंच रहा है। लता मंगेशकर चौक पे आप देखेंगे तो यहाँ पे रेत पे योगी जी और मोदी जी की आकृतियां बनाई जा रही है। इसके अलावा प्रभु श्री राम की भी आकृति यहाँ पे बनाई गई है।